जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल संजू बाबा एक्सप्रेस में। दोस्तों आज मैं रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाले TA जो या ट्रेवलर्स अलाउंस होता है, यात्रा भत्ता होता है, उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। क्योंकि यात्रा भत्ता के बारे में दोस्तों काफ़ी दिनों से बहुत से दोस्तों को रिक्वायरमेंट था कि पूरी तरीके से बताया जाए, और इस बार जो यात्रा भत्ता था दोस्तों उसमें भी दोस्तों 25% का इंक्रीज कर दिया गया है। इसका नोटिस दोस्तों 2 दिन पहले आ चुका है, तो इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। यात्रा भत्ता दोस्तों कब मिलता है? जब आप अपने स्टेशन से हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर जाके कहीं ड्यूटी करते हैं तो आपको यात्रा भत्ता रेलवे द्वारा दिया जाता है। और यात्रा भत्ता दोस्तों 3 भागों में डिवाइड है, 30%, 70% और 100%। और 70% दोस्तों तब दिया जाता है जब आप अपनी 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, और 100% दोस्तों तब दिया जाता है जब आप अपनी ड्यूटी पूरे 12 घंटे की करते हैं। और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अभी जो TA का जो नया इंक्रीज होके आया है दोस्तों, जिनका ग्रेड पे 1800 से 2800 है, उनका TA पहले 500 था, अब दोस्तों 625 हो चुका है। 100% TA की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, 100% TA आपका 625 हो चुका है। और जिनका ग्रे पे 4200 से 4800 है, उनका TA दोस्तों पहले 800 रुपये था 100%, अब दोस्तों बढ़ के उनका 1000 रुपये हो चुका है। और जिनका ग्रे पे 5400 है दोस्तों, उनका TA है दोस्तों पहले 900 रुपये था, अब बढ़ के दोस्तों 1125 रुपये हो चुका है। 100% TA यह है दोस्तों। और इसके अकॉर्डिंग आप अपना जो TA है वो महीने की 13 तारीख को आपका जब मास्टर जाता है तो उसमें आप अपना TA ज़रूर भर के दें, और इसी मई मंथ से आपको TA यह मिलने वाला है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो इस महीने का मास्टर जाएगा उसमें अपना TA भर के ज़रूर दे, आपको जो इंक्रीज़ हुआ है उसी के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, जो नाइट ड्यूटी करते हैं दोस्तों उनको भी नाइट अलाउंस मिलता है, तो वो भी अपना नाइट अलाउंस फॉर्म भर के दे। आपका एक नाइट का दोस्तों जितना आपका सर्विस हो जाता है उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज़ होते हुए मिलता है दोस्तों। जो 1800 ग्रेड पे हैं उनको दोस्तों एक नाइट का TA जो नाइट का अलाउंस होता है वो 138 रुपये एक यूनिट के हिसाब से मिल रहा है दोस्तों। बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी कोई अपडेट आएगा मैं आपसे ज़रूर बताऊँगा। और ये TA का फॉर्म है वो दोस्तों आप ज़रूर भरें, और जो भी आपको रेलवे सुविधा मिल रही है उनका आप फ़ायदा उठाएं। और महीने की 13 तारीख को जब मास्टर जाए आपको प्रेजेंट रहना ज़रूरी है, वरना आपका सैलरी नहीं आता है। अगर आप एबसेंट हो जाते हैं तो फिर बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके ये जानकारी लाभदायक रहेगी, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आपका संजू।